या बहुत सारे लोग इफ्तारी के बाद सहरी तक सोते ही नहीं है, और सहरी तक जागने के लिए उन्हें मोबाइल फ़ोन या मज़ीद जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है काफ़ी हद तक। बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स काम भी कर रहे होते हैं, रात में देर तक जागने और सहरी और इफ्तारी की तैयारी के पेश नज़र नींद का जो हमारा दौरानिया है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से रोज़े की हालत में एक तो सुस्ती बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा तबीयत ख़राब होने के इम्कान भी बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ नींद की कमी, बिनाई की कमज़ोरी, धुंधलापन और एक की जगह दो नज़र आने की शक्ल में भी सामने आ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा वक्त आप जाकर गुजारते हैं उतनी ही बिनाई में ख़राबी का इम्कान बढ़ता जाता है। और उसके साथ साथ एक मसला जो हम सबको किसी न किसी हद तक सामना करना पड़ता है इस चीज़ का, वो आँखों की सूजन और आँखों के गिर्द स्याह हल्कों का है। तो नींद की कमी और स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल आँखों की कई ख़तरनाक बीमारियों की वजह भी बन सकता है। तो आँखों को बीमारियों से हम कैसे बचा सकते हैं, नींद की कमी के जो मसले हैं उनको किस तरह हल किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर समन अली हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर समन, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, और बहुत शुक्रिया आपका इन्वाइट करने के लिए। कैसा रमज़ान कैसा गुजर रहा है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, यही बहुत ही बाबरकत महीना इसमें तो। बिल्कुल ऐसे ही है, जो स्क्रीन टाइम की वजह से जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं आंखों की या कैलिंग प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही, क्या ये इनका इफेक्ट परमानेंट भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, जो बच्चों में तो ये बहुत बुरे असरात करता है ना। अच्छा। बच्चों में ऐनक लगने, आपने देखा होगा आजकल हर दूसरा बच्चा ऐनक के साथ नजर आता है, वो यही वजह है कि जब हम करीब का काम कंटिन्यूसली करते रहते हैं, मुतवातिर काम करें करीब का, तो हमारे मसल स्ट्रेस में चले जाते हैं। ओके। जिसकी वजह से ये मायोपिया इंड्यूस हो जाता है। मायोपिया एक बीमारी है जिसमें हम दूर नहीं देख पाते। अच्छा ठीक है, तो वो बच्चों में, लेकिन बड़ों में जो स्क्रीन टाइम यूज करने से वो ऐसा मसला नहीं होता, उनको तो सिर्फ ड्राइनेस वगैरह, लेकिन बच्चों में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि ऐनक लगती है फिर उनको, और ऐनक अगर टाइम पे डायग्नोज ना हो तो उसके अपने असरात होते हैं, फिर वो बच्चों की नज़र बनती ही नहीं है। इसलिए एक तो माँ बाप का भी विजिलेंट होना कि उनको नोट करें कि जी अगर उनको ज़रूरत पड़ रही है तो उसको डॉक्टर पे दिखाएं, ताकि उनको टाइमली ऐनक लग जाए, बर वक्त ऐनक लगे और इसको ऐब ना समझें। अच्छा ठीक। दूसरा डॉक्टर समन, फिर आइडियली अगर किसी ने इस्तेमाल करने, बच्चों ने या फिर गैजेट्स या फ़ोन इस्तेमाल करने, बड़ों ने अगर स्क्रीन टाइम का यूज़ करना है, तो आइडियली कितना टाइम होना चाहिए उनका? देखिए आइडियली तो देखा जाए तो पूरे दिन में हमें 4 से 6 घंटे या 8 घंटे से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वो भी ब्रेक्स के साथ। जैसे मैंने बताया आपको कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड्स कुछ भी नहीं होते, आप थोड़ी देर दूर देख लें। ओके। अगर खिड़की से बैठे हुए हैं तो बाहर ग्रीनरी को देख लें, वो हाँ। तो एक तो अल्लाह का नज़ारा भी होगा, उससे आपकी आँखें भी फ्रेश होंगी, और अगर वो भी नहीं है तो सिर्फ आँखें थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हटा के बंद कर लें 20 सेकंड्स के लिए, तो आपका हर्ज भी नहीं होगा और आप उसको आंखों को रेस्ट, मतलब ये आंखों के एक एक्सरसाइज हो गई ना। बिल्कुल, बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको मस्नूई आंसू का बताया, वो कर सकते हैं, और अगर उससे ज्यादा मसला अगर होता है तो फिर डॉक्टर से राबता करना, फिर खुद सेल्फ मेडिकेशन कुछ नहीं करनी। मतलब बहुत से लोग खुद से भी आई ड्रॉप डालना शुरू हो जाते हैं? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं डालने, क्योंकि कुछ कतरे ऐसे हैं जो कि आंख का एक दबाव होता है जिसको वो बढ़ा देते हैं, और कुछ को इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है उन कतरों से, लेकिन लॉन्ग टर्म में मतलब जब वो हमारे पास आते हैं तो उनके असरात जो नाक की नस होती है उस पे नजर आने शुरू हो जाते हैं, वो सेकेंडरी ग्लोकोमा कर देते हैं, काला मोतिया। ओके। तो कुछ कतरे ऐसे होते हैं जो खुद से नहीं डालने होते, इसीलिए मैंने कहा कि सिवाय मस्नूई आंसू के आपने जो कतरे भी इस्तेमाल करने हैं डॉक्टर के रबते से करने हैं, ताकि आपको कोई और मजीद उससे खराबी ना हो जाए। ठीक है। और जैसे मैं अभी इस बात भी करी थी अपने इंट्रो में कि जिन लोग का एक ये भी मसला आता है कि आंखों के इर्द गिर्द स्याह हल्के आ जाते हैं, वो क्या ये किसी मुझी बीमारी की कोई अलामत या निशानियां हो सकती हैं या इतनी खतरनाक नहीं है, या इसकी कोई ये इतनी खतरनाक हो भी सकती है कि अगर आपकी आयरन डिफिशेंसी है बॉडी में तो वो भी आपने देखना है, लेकिन अक्सर बच्चों को या बड़ों को तो एक तो फैमिली में भी होते हैं डार्क सर्कल्स, लेकिन अगर किसी के डिवेलप हो रहे हैं तो वो नींद की कमी की वजह से भी डिवेलप हो जाते हैं, फिर अगर आप नींद पूरी कर लें तो वो ठीक भी हो जाते हैं, या किसी को अगर ग्लासेस लगनी है वो ग्लासेस का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियां, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत हो रहा है आजकल, तो हरी सब्जियां, फल, फ्रेश फ्रूट्स, ये चीज़ें खाएं तो इनसे भी ये चीज़ें कम होती हैं। मतलब अपनी डाइट जो है अच्छी कर लें तो उसकी वजह से हमारी जो नज़र है वो अच्छी हो सकती है। और एक्सरसाइज करना कितना लाजमी है फिर नज़र को तेज करने के लिए? बहुत ज़रूरी, मतलब एक चीज़ मैंने जैसे अभी आपको बताया IOP इंट्राओक्युलर प्रेशर होता है जो कि आँख का दबाव होता है, ठीक है, उसके चेंजेस में आने से एक बीमारी हो जाती है काला मोतिया। अगर हम सिर्फ आँख एरोबिक्स करते हैं या वॉक करते हैं तो हमारी आँख के लिए वो दबाव जो है वो कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल में रहता है, जिसकी वजह से हमें वो बीमारी की तरफ आगे, जो कि बीमारी एक इरिवर्सिबल डैमेज कॉज कर रही है, वो कम कर देती है।
तो इसलिए एक्सरसाइज जनरल फिजिकल बॉडी की एक्सरसाइज पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और आँखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो आपका आँखों तक भी जाता है और आँखों की नसें मसल्स सब एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहते हैं।